डिप्थीरिया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गला घोंटू भी कहा जाता है, ये एक संक्रामक बीमारी है। अगर इसका इलाज सही वक्त पर नहीं मिले तो जान जाने का खतरा भी होता है। इसकी चपेट में 5 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। आज सेहतनामा में जानेंगे डिप्थीरिया कैसे फैलता है, इससे बचने के क्या तरीके हैं। WHO के मुताबिक भारत में 2005 से 2014 के बीच हर साल करीब 4,167 केस दर्ज हुए। इनमें से 92 लोगों की हर साल मौत हो जाती है। चिंता की बात यह है कि दुनिया में डिप्थीरिया के आधे केस भारत में मिल रहे हैं। साल 2018 में भारत में करीब 8,788 केस दर्ज किए गए। इनमें 52 लोगों की मौत दिल्ली में हुई थी। अब जान लेते हैं डिप्थीरिया क्या है और ये कैसे फैलता है। ये एक तरह की संक्रामक बीमारी है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ये बीमारी आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। इसके अलावा किसी चीज में अगर बैक्टीरिया हो तो उसे छूने से भी ये फैल सकती है। क्या होते हैं इसके लक्षण, अब ये भी जानते हैं। इसके लक्षण की शुरुआत गले से होती है। धीरे धीरे ये शरीर के बाकी हिस्सों पर असर डालने लगता है। अगर ये लक्षण दिखें तो आप इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं, जैसे गले में लगातार खराश रहना, तेज बुखार बना रहना, गले में सूजन के साथ दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, कुछ खाने या निगलने में दिक्कत होना, थकान और कमजोरी रहना, स्किन नीली पड़ना, धुंधला दिखने लगना। लेकिन सही वक्त पर इलाज से इस बीमारी से बचा जा सकता है। संक्रमित होने पर डॉक्टर मरीज को एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं ताकि डिप्थीरिया को फैलने से रोका जा सके। संक्रमण को काबू में करने के लिए एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। वहीं डिप्थीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं और वैक्सीन से रोका जा सकता है। इसकी वैक्सीन का नाम DTaP है। डिप्थीरिया से बच्चों को ज्यादा खतरा होता है क्योंकि उस वक्त उनकी इम्यूनिटी विकसित नहीं हो पाती है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह पर 2 महीने की उम्र से लेकर 18 महीने के बीच टीके लगाए जाते हैं। हालांकि टीके का असर सिर्फ 10 साल तक ही रहता है। 12 साल की उम्र में फिर से टीका लगवाना पड़ता है और बाद में बूस्टर शॉट लिए जा सकते हैं। डिप्थीरिया से संक्रमित होने पर कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डिप्थीरिया से शरीर कमजोर हो जाता है। इससे रिकवरी के लिए आपको ज्यादा आराम करने की जरूरत होती है। अगर असर हार्ट पर हुआ है तो फिजिकल एक्टिविटी से बचना चाहिए। सबसे अधिक नुकसान गले को होता है, इसीलिए लंबे समय तक लिक्विड या नरम खाना ही खाएं। अगर घर में कोई एक व्यक्ति संक्रमित है तो उसे क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो इन तरीकों से डिप्थीरिया में आप अपना ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।